बेलमोती। पैसा कौन निकाल रहे हैं? पैसे नहीं बना था। पैसा हम नहीं निकाल, पैसा निकाल दे हम। हाँ, हाँ पैसा हम निकाल, पूरा निकाल दे हम। सरपंच साहब कहा थे तुम पैसा निकाल के तुम रख ले हो, सरपंच नहीं दे। वो बात छोड़ के कहा, हमर का बेटा है, डबका है, लड़का है, जो हमर का कथा दी करी निकाल ही मोर कौन है। एक तन का मैं क्या रहे, सरपंच ले ले रही से फटफटी में चढ़ा के निकाल दे हन हमन। का कहते सरपंच ली से, सरपंच ले हो बोला थे जो वो सरपंच ले है, हमन खुद दे हन सरपंच ले है। और ये जो तो घर बनी से तो सरपंच बनवाते रहे इसका। हाँ तो वो बने पैसा दे रहे हो। हाँ सरपंच रहा उच कर अपन झोंकी। किस तरीका रहे सर, किस सरपंच हमला लिस दू दिन पैसा निकाले ने, बार ले पैसा निकाले ने। हमन हमन का कहते चार बार तो दीगा दूधीघा पूरा निकाल दे हन। हाँ तो पैसा निकाल दे हन भाई, हमन नहीं जाना सुनो सोरो भर रहा हमार को। अच्छा ढंग से दिए सर, उसके बाद में ना दूसरा किस्त में लोग निकलती है, दूसरा किस्त का विड्रॉल किया हूँ तो मोर कोई नहीं है, एक तन के आदमी मोर बुआ दिन में बैठे बैंक नहीं दे देखे रहे। अब पैसा ला पूरा निकाल के आ ली थी, देव साला चाहा थी हम पाई की भूख में मर जात रहे। चौकी लग गए रहे घर के बारे में उन्हें बना दे थे कि गुहारे पर गए रहे। कौन सा चौकी लगा है, कौन सा चौकी लगे रहे, कहाँ के चौकी, भंवरपुर की बतना कौन है ये दे भाई, भंवरपुर की चौकी तो कहाँ है इस वहाँ बना दे ही कि कछु नहीं की बना दे ही की और तो हम बस पड़े है मोर कौन है जो बना ही ललिता। तो आवास पूरा कैसे नहीं बनी से सरपंच के सफी नली मोर के बनावा कहनी और याद है मैं मार टापी छ याद है हे देखा को घर द्वार कंदा बने समझे पखना खुली घर मोर ने बना ले आइटा के मैं मार छाबी करी रहू छ। तो तोर बैंक ले पैसा निकल गए है जो निकल तो गए है। कौन निकाली से तोर बैंक तो सरपंच रहते हन तो हमर कार्ड लगत रहा। सरपंच ल कब दे रहे सब दिन दे हन पैसा निकाले बर तो ते नहीं गए रहे बैंक। नहीं संग में गए रहे अपन झोके है न उ धरे हैं। कहां गए रहो पैसा निकाले नगरी। तो अभी का कहते सरपंच आओ का सरपंच अकेला छबई करे है उ दे मुटा ला तहां घर बन गए के फोटो घचा कर लेगी। तो तोर अकाउंट में पैसा आई से जो है पैसा तो आए रही जो तो खाता में पासबुक में पैसा है नहीं ये पैसा पैसा खा दिन है कही के। तो तोर कहना ये है कि ते नौकरी के रहे सरपंच के साथ आपके गाँव में दो आवास अधूरा पड़ा है अभी जहाँ हम देख के आए हैं वहाँ पे उन लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने उनके पैसे गबन कर दिए हैं, क्या है पूरा मामला? नहीं सर वो पहले किस्ती को अच्छा निकाल कर वो लोग दिए, हालांकि वो लोग तो मेरे को बनाने के लिए शुरू से बोले हैं पहले किस्त को अच्छा निकाल कर दिए, मैं काम चालू कर दिया उसके बाद में ना दूसरा किस्त को लोग लफड़ा किए, दो बार निकाल कर दिए मेरे को, उसके बाद तीसरा और चौथा को विड्रॉल करके वो लोग निकाल कर रख लिए। तो कितने किस्त में मिलता है प्रधानमंत्री आवास? तीन किस्त में जी। तीसरा और चौथा को दूसरा और तीसरा को
दूसरा और तीसरा को रोक कर रख लिए। तो उन लोगों ने आपको अभी तक कितने पैसे दिए? मेरे को 40 और एक जन का लगा, एक जन का लगा था 40-30-70 हजार रुपये दिए हैं सर। और कितना बकाया है उनका? एक जने का 24,000 है और एक जने का 20,000। उन लोग जैसे बोल रहे 40,000। उन लोग आपके साथ नौगढ़ी गए थे पैसा निकालने, तो आप उनके साथ गए थे क्या? नहीं, वो पहला किस्ती है सर। पहला किस्ती जी। दूसरे किस्ती में आप उनके साथ नहीं गए? दूसरे किस्त में मोहरपुर में नहीं, यहाँ बुलवाए थे बसना के, वो पंजाब का जो पंजाब नेशनल का जो बीसी रहता है ना सर, उनको बुलवाया यहाँ और 10-10 हज़ार उनका 20-20 हज़ार निकाला। उसके बाद में वो लोग खुद विड्रॉल करके ना। तो दूसरा किस्त आप यहाँ निकाले इस गांव में? हाँ, गांव में आके निकाला हूँ सर। मतलब कि गांव वाले आके दूसरा किस्त दिए, तो आपको दूसरा किस्त भी मिला था? दूसरा किस्त का 20-20 हज़ार रुपया दिए हैं वो लोग। मतलब तो वो जो पैसा जो देने आए थे वो उनको दिए थे पैसा दूसरा किस्त का? नहीं, उनके हाथ में विड्रॉल किए सर और पैसा मेरे को दिए हैं। दूसरा किस्त का 20-20 हज़ार रुपया। और तीसरा किस्त का? तीसरा किस्त का तो उन्हीं लोग निकाल लिए हैं। कहाँ पता नहीं, कहाँ निकाले क्या किए उसको मेरे को जानकारी नहीं है सर। पूरा मामला आप बताएंगे थोड़ा विस्तार में? पूरा मामला समझ आओ, जब एफिडेविट दिया तो सरपंच ने बनाया, तो चल बना रहे सरपंच भाई, जब लफड़ा हुआ तो सरपंच एफिडेविट देके घर बनवाने का बात हुआ था। हाँ, एफिडेविट दिए हैं सर सरपंच को, तो एफिडेविट दिया था, अब सरपंच बनवा भाई, और बनवा रहा था जब लफड़ा हुआ तब मेरे को बुलाया, तो मैंने उन लोगों के पास गया, भाई कैसा हो रहा है, नहीं सरपंच नहीं बना रहा है, नहीं सरपंच बना के मैं बोल रहा हूँ, लेकिन पैसा को आप काम होने के बाद बेइज्जत दे देना भाई, नहीं दे देंगे बोले, तो उसके बाद मैं बनवाना चालू कर दिया, मैं भी गया ढलई में, चलो भाई बनाओ भाई डोकरी ढाकरी हैं, ये लोग कहाँ रहेंगे, जो वो हो गया लफड़ा उसको छोड़ो, इधर का पैसा दे देना मैं बोला, तो उनको फिर मैं लेकर गया बिछियाँ, वहाँ चेक करवाया तो एक जन में कहते हैं 7,000, एक जन में 7,000 है ना, और एक जन में 8,000, 13,000 रुपया उसमें बकाया था, मैं बोला इसको रहने दो, फिर जब जमा होगा तो सरपंच निकालेगा भाई, नहीं तो मैं निकाल लेता उस दिन, लेकिन मैं क्यों निकालूँगा सरपंच बना रहे, तो उन लोगों को खाना पीना करवा कर मैं उनको बैठा कर फिर ले आया, उसके बाद उसको दे दिया ना, तो आधार कार्ड और का वो जो इतना बड़ा वो साल स्टेट बैंक का रहता है ना, थोड़ा माने अकाउंट नंबर नहीं, अकाउंट नंबर इतना कागज़ में और झिल्ले होकर अकाउंट नंबर से इस पर है उसमें, तो हमारा ज़रूरत है बोलकर सरपंच से मांग के ले लिए हैं, और मेरे पास भी दो बार भी आए थे कि कहाँ गए बोलकर पैसा निकालेंगे, तो मेरे को नहीं भेट भाई, नहीं मेरे मुलाकात हो पाया, तो उन लोग तो उसके बाद ले गए और वो पैसा गमन कर दिए हैं, तो उसी से आप काम रुक गया उतने में।